दोस्तों, इंसानी तारीख में कई ऐसी हस्तियां गुजर चुकी हैं जिन्होंने इंतहाई नामुसाइद हालात में महज अपने जज्बे और हिम्मत के बलबोते पर वो काम किए जिन पर दुनिया आज उन्हें रश्क की निगाहों से देखती है। ऐसे अजीम लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जिनकी जिंदगियां हमारे लिए मशले राह है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसे ही अजीम शख्सी कहानी जिसने अपने अज़्म हिम्मत और जोश व जज्बे से एक नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग कैंसर के मूजी मर्ज से बिस्तरे मर्ग पर एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर जाते हैं, लेकिन एक ऐसा जवान भी गुजरा है जिसने अपनी इस मूजी बीमारी को पस्से पुश डालकर आइंदा नस्लों को कैंसर से पाक माशरा देने के लिए मैराथन ऑफ होप यानी उम्मीद की दौड़ लगाई। आइए कनाडा के इस हीरो टेरी फॉक्स के बारे में इस वीडियो में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अजीज दोस्तों, टेरी फॉक्स 28 जुलाई 1958 को कनाडा के सूबे मैनिटोबा के एक कस्बे विनिपेग में पैदा हुए। इनके वालिद रोली फॉक्स कनाडा की कौमी रेलवे में स्विचमैन थे। टेरी के वालिद के मुताबिक वो जुनून की हद तक खेलों के दिलदादा थे। वो बचपन ही से रग्बी, सॉकर और बेसबॉल खेलने के शौकीन थे और जब तक उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होती थी तब तक वो खुद को इस काम में मसरूफ रखते। खेलों में टेरी की अव्वलीन पसंद बेसबॉल थी, ताहम सिर्फ 5 फुट कद के साथ बेसबॉल खेलना इनके लिए मुश्किल था, इसलिए असातिज़ा के मशवरे के बाद टेरी ने एथलीट बनने के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। ताहम साथ ही साथ इसने बेसबॉल की अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखी। बिलाखिर टेरी ने ग्रेड 12 में हाई स्कूल के बेहतरीन एथलीट का अवार्ड हासिल किया। 12 नवम्बर 1976 का दिन टेरी की जिंदगी में एक अफसोसनाक हादसा लेकर उभरा। टेरी की गाड़ी एक जेरे तामीर पुल के साथ खड़ी पिकअप से टकरा गई। इससे गाड़ी बुरी तरह तबाह हो गई और टेरी के दाएं घुटने पर सोजन हो गई। टेरी ने इसे आम सी सोजन समझा और बेसबॉल के सीजन में अपनी सरगर्मियां जारी रखी। मार्च 1977 में इसकी तकलीफ बढ़ते बढ़ते नाकाबले बर्दाश्त हो गई, जिस पर टेरी ने अस्पताल का रुख किया और वहां डॉक्टरों ने तशखीस की कि टेरी को ओस्टियोसारकोमा नामी कैंसर हो गया है, जिस पर टेरी फॉक्स की दाई टांग काट दी गई। इसी दौरान टेरी की कीमोथेरेपी तकरीबन 16 माह तक चलती रही। दौरान कीमोथेरेपी टेरी ने कैंसर के कई मरीजों को मौत के मुंह में जाते देखा, जो कि टेरी के लिए नाकाबले बर्दाश्त था। टेरी ने अपने इस इलाज को खत्म करते हुए एक नए मकसद के साथ खुद को मैदान अमल में उतारा। इसने अपनी जिंदगी का मकसद ऐसे तरीकों की दरियाफ्त बना लिया था जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज के इलाज मालजे में मददगार साबित हो। दोस्तों, कैंसर सर्जरी से एक रात कबल टेरी को कैंसर के एक अमरीकी मरीज डिक ट्रॉम के बारे में पढ़ने का मौका मिला। ये वो शख्स था जिसने अपनी मसनू टांग के साथ न्यूयॉर्क मैराथन रेस में हिस्सा लिया था। डिक ट्रॉम की अजमो हिम्मत की दास्तान पढ़ने के बाद टेरी ने फैसला किया कि वो कनाडा के एक कोने से दूसरे कोने तक मैराथन ऑफ होप यानी उम्मीद की दौड़ लगाएगा। इस दौरान कैंसर के मर्ज की तहकीक के लिए रकम इकट्ठी करेगा। 12 अप्रैल 1980 को 8000 किलोमीटर दौड़ने के लिए टेरी ने रुख्त सफर बांधा। इसे एक हकीकी और एक मसनूई टांग के साथ दौड़ना था। ये एक सबर आजमा और तकलीफ दे फैसला था जिसकी हर किसी ने मुखालफत की, लेकिन टेरी को अपनी बुलंद हिम्मती का अदराक था। टेरी ने इस दौड़ का आगाज न्यू फाउंडेड सूबे के शहर सेंट जॉन के करीब बहरी ओकियानूस के ठंडे पानियों में अपनी मसनू टांग डालते हुए किया। 143 दिनों में टेरी फॉक्स ने 5373 किलोमीटर फासला तय किया। ताहम बदकिस्मती से दौरान सफर ही कैंसर ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और यूं जुलाई 1981 को टेरी फॉक्स ने बिलाकर दम तोड़ दिया। इसकी रेस के बाकी 3000 किलोमीटर तो रह गए, लेकिन अपने अज़्मो हिम्मत, हौसले और जवां मर्दी के साथ इस 22 साला नौजवान ने खुद को आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन सितारा साबित कर दिया। टेरी फॉक्स ने अपनी बीमारी से पहले $17 लाख जमा कर लिए थे और इसकी मौत तक जमा होने वाली रकम $2,40,00,000 तक जा पहुंची। टेरी कनाडा की तारीख के सबसे कम उम्र तीन फर्द हैं जिन्हें कनाडा का सबसे बड़ा एजाज यानी ऑर्डर ऑफ कनाडा दिया गया। इसके अलावा टेरी को मिलने वाले दीगर एजाजात में ऑर्डर ऑफ डॉगवुड, ऑल टाइम ग्रेट कैनेडियन एथलीट्स के साथ साथ दीगर अवार्ड दिए गए। इसके अलावा कनाडा में कई स्कूलों, कॉलेजों, लाइब्रेरियों, हाईवे, सड़कों और पार्कों के नाम टेरी फॉक्स के नाम पर रखे गए हैं। दोस्तों, 27 जून 1981 को कनाडा के महकमा डाक ने टेरी फॉक्स का यादगारी टिकट जारी किया तो ये मुल्क की तारीख का पहला एजाज था जो किसी जिंदा शख्स को मिल रहा था, जबकि महकमा डाक किसी भी अहम शख्स का यादगारी डाक टिकट इसके मरने के 10 साल बाद जारी करता है। इसके अलावा इनके नाम पर टेरी फॉक्स रन नामी दौड़ हर साल मुनक्कद होती है जिसका मकसद कैंसर के इलाज में तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए चंदा इकट्ठा करना है। टेरी फॉक्स की जिंदगी पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। यूं कैंसर के हाथों वक्ती तौर पर मरने वाला टेरी फॉक्स आज करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी मोहब्बत और मौजूदगी का एहसास दिलवाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
आपसे नई वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।